संबल पुलिस ने किया प्रवीण हत्याकांड का खुलासा। हत्या आरोपी ने बहन को भगा ले जाने की रंजिश में की थी हत्या। संबल जनपद के थाना बनियाठेर क्षेत्र में बोती नवंबर 10 नवंबर को प्रवीण पुत्र किरण पाल निवासी बनियाखेड़ा की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी थी। बुधवार को बनियाठेर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक श्री यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए अभियान के तहत पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बुधवार को हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी बनियाखेड़ा गांव निवासी बंटी उर्फ रैदास ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेरी बहन विंकेश को मेरे गांव का ही शिवेंद्र भगाकर हरियाणा राज्य ले गया था, जिसके चलते उसकी गांव में काफी बदनामी हुई और लोग उसे देखकर छींटा कसी करते थे। इससे तंग आकर उसने बहन को भगाकर ले जाने का बदला लेने की योजना बनाई। इसलिए उसने 315 बोर का तमंचा खरीदा और हत्या के इरादे से घात लगाकर बहन को भगा कर ले जाने वाले आरोपी छोटा भाई प्रवीण का इंतजार गांव को जाने वाली संपर्क मार्ग पर करने लगा। योजना के मुताबिक जब प्रवीण अपने फूफा को बाइक पर बैठाकर सड़क की ओर जाते समय रास्ते में रोक लिया और प्रवीण के सीने पर तमंचा तानकर गोली चला दी। इसके पीछे बैठे उसकी फूफा ने जब आरोपी को पकड़ना चाहा तब है खेतों की ओर भाग गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया और हत्यारोपी संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लेकर जेल भेज दिया गया। ये बनियाठेर में एक हत्या हो गई थी जिसके मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद इसकी विवेचना प्रारंभ की गई तो ये निकल के इसमें प्रकरण आया कि एक बंटी उर्फ रैदास करके व्यक्ति है जिसकी बहन को कुछ दिन पहले इसी के गाँव का एक व्यक्ति साथ में लेकर के हरियाणा चला गया था और वहाँ वो लोग रह रहे थे तो उसी के रंजिश मानने लगा था उसके परिवार वालों से और उसकी उसका जो भाई यहाँ पे रहता था उसको ही टारगेट करके इसने घेराबंदी किया था घटना वाले दिन। और वो व्यक्ति जो मृतक है वो अपने फूफा के साथ एक मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसका इंतजार करने लगा। ये शाम को 5 बजे जब वो लौट के आया एक मंदिर से पूजा करके तो वहाँ पे इसने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसने बताने से इनकार किया कि मेरा भाई कहाँ है, तो इसमें बातचीत शुरू हुई और आपस में विवाद बढ़ गया जिसमें इसने उसके सीने पे रख करके गोली फायर कर दिया और वो घायल हुआ और फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से इसने घटना कारित किया। ये प्रताड़ित था कि इसकी बहन को वो भगा ले गया जिससे ये छुप रहता था और इसको छींटा कसी भी होती थी जिससे ये काफ़ी आहत महसूस करता था। इसने सारी घटना कबूल कर ली है और फायर आर्म्स था वो भी बरामद किया गया है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है। जनपद संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, जनपद संभल।